हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देखा, बिल्कुल मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट कर पाएंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो कैसे बना पाएंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू। दोस्तों, क्या होता है, हमारे लोगो से ही हमारे चैनल की पहचान होती है, यानी हमारी पहचान होती है। दोस्तों, आप भी अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर आपका चैनल है, तो वहाँ पर आप अपने चैनल में लोगो जरूर लगाए होंगे किसी न किसी प्रकार का। तो दोस्तों, उसमें अच्छा से अच्छा लोगो हमें लगाना चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस को पसंद आए हमारा लोगो, और हमारे चैनल में भी एक प्रकार से वो ग्रो करने में कुछ हद तक वो हेल्प करता है हमारे चैनल को ग्रो होने में। तो दोस्तों, उस लोगो को जितना अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा हमारे चैनल के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, उस लोगो को कैसे क्रिएट करना है मोबाइल के थ्रू, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। और अब जैसे कि न्यू ईयर आ गया है, 2023 चालू होने वाला है, तो कुछ नए अंदाज में मैं बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल के थ्रू एक अच्छा खासा लोगो कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने भी अभी नया चैनल ओपन किया है, तो मैं शुरू से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, उस पर लोगो कैसे लगाए, बैनर कैसे लगाए, इस प्रकार से मैं टॉपिक अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे अभी जस्ट पिछली वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि 2023 में अपने मोबाइल के थ्रू यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर पाएँ और उससे लाखों की इनकम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने देख लिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर नहीं देखा है, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि लोगो कैसे क्रिएट करना है एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू, और जस्ट जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि बैनर कैसे क्रिएट करना है 2023 में मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली जो मैं भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर, वो आपको मिल जाए। बैनर कैसे बनाना, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सब प्रकार की जो भी मैं वीडियो आपको अपने चैनल पर दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां से आपको बताता हूं कि एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू लोगो कैसे क्रिएट करना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी यूट्यूब के लिए लोगो बनाने के लिए, पिक्सल ऐप। अगर आपके वो फोन में है तो ठीक है, नहीं है तो प्ले स्टोर से सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पिक्सल ऐप एप्लीकेशन जैसे ही ओपन किया, तो हमें लोगो बनाने के लिए यहाँ नीचे ये जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक चौथे नंबर पर शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, शेप्स का, इस पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर जो चार कोने का, यहाँ से एक एरो आपको दिख रहा होगा, इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो हमें गोला वाला ऑप्शन ले लेना, क्योंकि मतलब गोला जैसा लोगो होता है ना, इस प्रकार गोला वाला हमें ऑप्शन चूज़ कर लेना है। यहाँ पर जैसे चूज़ करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा गोला रेडी हो जाएगा, एक प्रकार से गोला बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर खिसकाएंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा स्ट्रोक वाला ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रोक वाला मिल चुका है, तो इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। और हम ब्लैक स्ट्रोक रखें, आप जिस भी कलर का रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये तो वो कलर है अंदर का गोला के, और स्ट्रोक का कलर यहाँ से मिल जाएगा, आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लैक रख देता हूँ, और गोले का कलर मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सही के टिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, इसे आप थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अपने जैसे जैसे आपको करना है। और सिंपली यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हमें ए वाले यहाँ प्लस वाले आइकन पर जाना पड़ेगा, और ऊपर जो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ न्यू टेक्स्ट आ चुका है, सिंपली हमें नीचे ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर पर एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और सिंपली यहाँ पर हम अपने कुछ चैनल का नाम लिख लेते हैं, जैसे वर्क ऑन लिख लेते हैं, सिंपली पहले केवल वर्क ऑन लिख लेते हैं, इसके बाद नीचे यूट्यूब लिखेंगे। तो ओके पर सिंपली वर्क ऑन लिखकर ओके पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से वर्क ऑन आ चुका है। तो दोस्तों, हमें सिंपली यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आ जाना, और यहाँ पर जो कलर का आइकन दिख रहा है, कलर का ऑप्शन, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, और हमें इसका कलर चूज़ कर लेना है। यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और आपको जो भी कलर अपने मतलब जो भी अपने अपने हिसाब से रखना है वो रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर येलो रखता हूँ, येलो करके ओके पर क्लिक कर देता। तो हमारा देखिए वर्क ऑन येलो कलर का हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर देंगे और राइट पर टिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें फॉन्ट का ऑप्शन मिला। फॉन्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें फॉन्ट का ऑप्शन मिला। इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे फॉन्ट आ रहे हैं। देखिए आप लोग, बहुत सारे फॉन्ट आपके पिक्सल ऐप में ऐसे ही होंगे, तो आपको जो मन हो वो चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा वर्क ऑन, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मेरे पास तो एक फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उसको चूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली दोस्तों, मैंने ये फॉन्ट डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको चूज़ करने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से मेरा वर्क ऑन हो चुका है। अब इस पर इधर खिसकाएंगे, तो हमें ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रोक का। स्ट्रोक पर जैसे क्लिक करते हैं,
स्पेस इनेबल कर देता हूँ, ब्लैक स्ट्रोक रहने देता हूँ और ये शायद इसका जो है 4 ही रहने देता हूँ। राइट के टिक पर क्लिक कर देता हूँ। शेडो भी दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, मैंने ब्लैक कलर का शेडो दे दिया है और इसको फुल 100 कर दिया है 100%। और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वर्क ऑन लिख चुका है, अब यूट्यूब लिखने की बारी है। तो सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ए नंबर पे आके एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे यूट्यूब। तो यूट्यूब दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। और यूट्यूब लिखने के बाद फिर इसका कलर हम चूज़ करेंगे। तो कलर आपका जो मन हो वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ, मैंने ब्लू कलर चूज़ कर लिया, इसका ब्लू कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर दिया। और राइट वाले टिक पर क्लिक कर देना है और सिंपली फिर मैं फ़ॉन्ट पर आता हूँ और मेरी एक फ़ॉन्ट है मैं उसको लगा लेता हूँ। तो सिंपली मैं अपने फ़ॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरी ये फ़ॉन्ट है, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है तो इसको मैंने ऐड कर लिया है और कुछ इस प्रकार से यूट्यूब लिख गया है यहाँ पर। यूट्यूब लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ और इसको थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए इस पर और कुछ चीज़ें लगाऊंगा, जैसे मैंने प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर अब की बार फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक यूट्यूब का PNG मैंने डाउनलोड करके रखा है तो उसको मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ। तो सिंपली उस PNG को मैं ले लेता हूँ और उसको यहाँ पर लगा देता हूँ। सिंपली ये रही मेरी यूट्यूब की PNG, कुछ इस प्रकार से मैं लगा सकता हूँ और यहाँ से इसको मैंने क्रॉप कर लिया और राइट के टिक पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आ गई है तो इसको मैं छोटा करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लिया है और इस पर यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे, ब्लैक कलर की शेडो मिल जाएगी। इसे थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। उसके बाद इफेक्ट के यक्स पर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये साइड में इधर को आएगा और इधर को करेंगे तो इधर को आएगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और इफेक्ट ये जो ऑफसेट लिखा है, ऑफसेट वाई को थोड़ा हम घटाते हैं तो ऊपर को जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर सेट कर दिया है मैंने। कुछ इस प्रकार से इसको सेट करने के बाद राइट के टिक पर क्लिक कर देना और हमारा यूट्यूब का लोगो कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। इस पर हम थोड़ा स्ट्रोक भी डालने वाले हैं, इस पर हम इधर कर लेंगे और स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर की स्ट्रोक यहाँ पर डालेंगे। हमारी ब्लैक कलर की स्ट्रोक हो गई है और केवल 1% रहने देते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैं अपनी फ़ोटो का PNG लगाने वाला हूँ फ्रॉम गैलरी में जाकर, और अपनी फ़ोटो एक ऐड करने वाला हूँ जो कि मेरी PNG बनी है पहले से। कोई भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए लगाए दे रहा हूँ और आप इससे अट्रैक्टिव भी लोगो बना सकते हैं। मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा लोगो बनाना पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इस PNG को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। कुछ इस प्रकार से हमारी PNG भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है और देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लोगो क्रिएट हो चुका है। और सिंपली हमें अगर आपको इसको भी PNG बनाना है लोगो को, तो सिंपली यहाँ पर चौथे नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देना तो हमारा लोगो PNG क्रिएट हो चुका है। और ऊपर जो सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है और नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पर सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट का, इस पर सिंपली क्लिक करके हमें अल्ट्रा सेलेक्ट करना है ताकि हमारे लोगो की क्वालिटी एकदम अच्छी तरीके हो, अल्ट्रा क्वालिटी हो। अल्ट्रा सेलेक्ट करके सिंपली सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो लोगो की PNG है वो हमारे डायरेक्टली गैलरी में सेव हो चुकी है। चलिए मैं अपनी गैलरी में जाकर दिखाता हूँ। तो सिंपली हम आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ लोगो की PNG आई है या नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लोगो रेडी हो चुका है और इसकी PNG भी हमने डाउनलोड कर रखी है। अगर आपको PNG नहीं डाउनलोड करना है तो आप ऐसे ही उसको ट्रांसपेरेंट बिना दबाए आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में। और कुछ इस प्रकार से आपका लोगो तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो समझाना चाहता था कि यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा खासा लोगो कैसे बनाना है मोबाइल से, तो आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो जो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो आपके फोन पर नोटिफिकेशन पहुँच। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।